तो सबसे पहले आपने ये देखें, 1 किलो हमने इसमें बथुआ लिया है, 1 किलो सरसों है और पालक है 250 ग्राम और इसमें मेथी है 125 ग्राम। ये सब आपने काट कर रख ली हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने काट लेना है, हमने दराज से काटी है, आप जिसे भी चाहें काट लें। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फर्स्ट स्टेप हम पे आते हैं, हम तो इसे पानी थोड़ा सा गर्म कर लेना, ठीक है। हल्का सा नीम गर्म पानी करने के बाद इसमें हम वो अपना जो भी कटा हुआ सारा मिक्सचर है इसमें डालेंगे, ठीक है। आपने इसमें डालते जाना है, ये तकरीबन भर जाएगा तो आप इसको हल्का हल्का गर्म होता रहेगा और नीचे बैठता रहेगा तो फिर आपका ये सारा चला जाएगा। हमारा भी भर चुका था तो देखें अभी हम और डाल देंगे इसमें। तो ये 4 से 5 मिनट में सारा नीचे बैठने के बाद हम इसे ढकना है। ये देखें ये गर्म होता जा रहा है और बैठता जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये हम ढक देंगे तकरीबन, हम आधा घंटे के लिए इसको ढाँप कर रख देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं हम लोग। ये हमने लेनी है देखें अदरक 1 टुकड़ा और ये 5 जवे लहसुन और ये 1 पाव मिर्च है, हरी मिर्च, ठीक है। इसका हमने मिक्सचर बना लेना है, उसमें नमक शामिल कर लेना है हसबे ज़रूरत, ठीक है। मिक्सचर बनाने के बाद अब आते हैं 30 मिनट बाद, देखें 30 मिनट हो गए, अब इसको खोलते हैं, देखें ये थोड़ा सा पक चुका है। अब इसमें हमने वो मिक्सचर शामिल कर लेना है, ठीक है। ये इसमें हरी मिर्च वाला जो मिक्सचर हमने बनाया इसमें शामिल कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसे वापस ढाँप कर हम तकरीबन 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। 3 घंटे बीच बीच में आपने देखते रहना है कि लगे ना, बाकी आपने 3 घंटे बाद अब इसे देखते हैं क्या इसकी सूरत हाल है। ये देखें ये हमारा काफ़ी हद तक पक कर देखें तैयार हो चुका है, ये देखें किस तरह का। अब ये जब इस तरह का हो जाएगा तो ये घोटने के लिए तैयार है। अब हम इसे घोटेंगे, हमने मशीन से नहीं घोटना, किसी दीवार के साथ लगाकर हम इसे घोटने से घोटेंगे। ये देखें हमने दीवार के साथ टच किया, अब इसे हम पैर लगाकर और इसे घोटने से घोटना है। ये बड़ा ही ज़बरदस्त जायका आपको देगा, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घोटने से घोट के मेहनत तो होती है लेकिन जायका बड़ा ज़बरदस्त आता है। ये देखें इस तरह का घोटने से आपने घोटना है। ये मेरी अम्मी घोट रही हैं, ठीक है। ये आपने इस तरह घोटते जाना, काफ़ी देर लगती है और काफ़ी मेहनत भी होती है लेकिन ये कि जायका बहुत प्यारा आता है मशीन की बजाय। जब ये काफ़ी हद तक घुट जाएगा तो फिर हम इसमें देखें, ये काफ़ी हद तक घुट चुका है, इसमें हम डाल लें बेसन, तकरीबन 100 ग्राम बेसन का हमने घोल लिया इसको पानी में, वो इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। आप इसकी जगह चाहें तो आटा भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम बेसन इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसन ज़्यादा बेहतर है। और चाहें तो आटा भी डाल दें 50 से 60 ग्राम। ये देखें एक गट्ठी हमने धनिया की हमने ली है, उसको बारीक काटने के बाद वो भी इसमें शामिल कर देंगे और दोबारा से घोटेंगे। तो घोटना बड़े हिम्मत और पावर से है, ठीक है, जोर लगा के तभी ये घुट पाएगा। हरी मिर्च का इसीलिए हमने मिक्सचर बना लिया था क्योंकि वो घुटने में परेशानी करती हैं। देखें काफ़ी हद तक ये, अब देखें तैयार हो गया हमारा, ये देखें काफ़ी हद तक हमारा ये घुट चुका है लेकिन अभी भी इसमें काम बाकी है। जब ये इस तरह का हो जाएगा तो फिर अब हम इसको चूल्हे पे ले जाकर नीचे आँच लगा देंगे, आग लगा देंगे और ये देखें इस तरह इसमें पानी शामिल करेंगे क्योंकि ये काफ़ी थिक हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है, तो इसमें पानी आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से शामिल कर लेना है। थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा क्योंकि ये पकने के बाद थोड़ा सा और पानी खुश्क हो जाएगा। अब इसको वापस से हल्का हल्का आपने घोटना है, घोटने में ज़्यादा मेहनत करनी है क्योंकि जितना ज़्यादा घोटा हुआ साग होगा उतना ज़्यादा ज़बरदस्त आपको लगेगा। ये देखें कितना, हालांकि हमारा कितना VIP सा हो गया लेकिन हम फिर भी इसे मज़ीद घोटने पे फोकस कर रहे हैं। ये देखें ये चूल्हे के ऊपर ही आपने इसको आग लगा के रखनी है और घोटते जाना है, फ्लेम ऑन है और घोटते जाना है। इसका पानी हल्का हल्का खुश्क होता जाएगा। ये देखें ये अब हमारा तकरीबन घुट चुका है, ये देखें आपको, ये देखें, ये देखें कितना प्यारा सा ज़बरदस्त सा ये घुट चुका है। अब इसको आपने ढक कर 5 से 7 मिनट तकरीबन और पकाना है। ये देखें जब इसमें इस तरह के उबाल आने लगे तो तकरीबन ये तैयार हो जाएगा। इसमें हमने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया कहीं पर भी, तो वो अभी हम लगेंगे तड़का लगाने के लिए। जब भी आपको खाना हो ये तो आप जितना खाना हो उतने पर ही सिर्फ तड़का लगा कर खाएँ, बड़ा मज़ा आएगा। तो अभी हम ये देखें सिर्फ थोड़े से साग में तड़का लगाएंगे। तो हमने पैन ले लिया, उसमें घी डाल रहे हैं 1 प्याली छोटी सी, ठीक है। अगर देसी घी इस्तेमाल करना चाहें तो वो और भी ज़बरदस्त है, ठीक है। ये इसमें शामिल कर देंगे, इसको गर्म कर देंगे। छौंक आप किस चीज़ का भी लगा सकते हैं तड़का। हम लोग लहसुन और जीरे का लगा रहे हैं। देखिए लहसुन ले लिया बारीक कटा हुआ, ठीक है, 3 से 4 जवे और आधा चम्मच के करीब हम जीरा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ा सा इसको भून लेंगे जब तक इसका लहसुन का कलर गोल्डन नहीं हो जाता।
रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ये देखें, ये इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। जब इसका चेंज कलर गोल्डन हो जाएगा तो हम इसमें साग शामिल करेंगे, और बस तड़का लगाना है हमें, कोई पकाना नहीं है। और ये जब भी आपको खाना हो आप इसी तरीके से तड़का लगाएं और खाएं, बड़ा मज़ा आएगा। ये देखें, ये तकरीबन इस तरीके से आपका तड़का लग जाएगा, और ये तड़का लग चुका। बस आपने इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि साग तो हमारा तैयार है, सिर्फ हम तड़के के लिए हमने ये चीज़ की। उसके बाद फ्लेम ऑफ़ कर देनी है और आपने साग निकाल लेना है। ये देखें, हमारा साग ज़बरदस्त सा ये तैयार हो चुका है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो भी बताइए और अच्छी नहीं लगी तो भी बताइए, दोनों कमेंट्स ही हमारे लिए अहमियत रखते हैं। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।